एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं सोनाली शर्मा अपने यूट्यूब चैनल सोनाली शर्मा पर आपका स्वागत करती हूँ। तो अभी मॉर्निंग हुआ है, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग का टाइम है 10:30 हुए हैं और हम लोगों को थोड़ा शक्ल अवॉइड करना है क्योंकि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उसका भी एक रीज़न है। मैंने वीडियो अपलोड की थी तो उसका मतलब टाइटल वगैरह लिखने को था और बहुत कुछ होता था, मेल वगैरह लगाने को था, उसमें टाइम चला गया। तो अभी अनाइशा को भी नहीं लाया और अनाइशा भी यहाँ है अभी। आप शेट आ रहे, अच्छी नहीं आ रहे वहाँ तो अब नहीं भी है। तो गाइस आज मैं आपको बताऊँ ना, तो मेरे आपको देख रहे होंगे ना, हिमाचल वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे भी, क्योंकि आज से मैंने कार्डिगन स्टार्ट कर दिया, कल शाम से मैंने कार्डिगन पहनना स्टार्ट कर दिया है। तो अनाइशा को भी स्वेटर बना दिया है और इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है यहाँ पे, अभी अक्टूबर के महीने में इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है। तो वैसे धूप है पर इतनी ठंडी धूप आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो बाहर धूप आती है हमारे यहाँ पे धूप आई है, तो यहाँ पे भी बैठे रहना है। तो आजकल मैं सारे बिस्तर धूप में लगा देती हूँ, सुबह जो मैं हम लोग यूज़ करते हैं तो मैं वो सुबह धूप में लगा देती हूँ और शाम को अंदर नहीं जाती हूँ। प्लीज़ अब पीछे से वॉल्यूम आ रही है क्योंकि यहाँ पे गलियों में कोई ना कोई चला ही रहता है बेचने वाले, तो वहाँ पे चेयर बेचने वाला है, तो इसीलिए तो मैं आपको पहले से पहले वेदर दिखा देती हूँ देहरादून का कि कितना ज़्यादा सुंदर वेदर है और इतनी ठंडी ठंडी हवा इतनी ठंडी ठंडी चलती है, मतलब ऐसा लगा कि हम लोग अपने घर में हैं। और घर में तो इससे ज़्यादा ठंड है, वहाँ तो बुखार ही जलनी स्टार्ट हो गई है, पर यहाँ पे इतनी तो नहीं है कि बुखार, मतलब हीटर वगैरह जल रही है। और बट कार्डिगन की नौबत आ चुकी है तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। तो अनाइशा को क्या लेना है, हमारे पास है चेयर। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, अनाइशा ने यहाँ पे चिड़िया है ना, उनको मतलब खाना देना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे उनका नेस्ट, यहाँ पे उनका नेस्ट था ऊपर, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, वहाँ पे उनका नेस्ट था और यहाँ पे वो यहाँ पे अनाइशा सुबह लॉक करती है, यहाँ पे आके टक 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 ऐसे ऐसे लॉक करती है सुबह। तो वो ना खाना मांगती है, मतलब चावल के दाने या वो दालों के दाने देती थी अनाइशा। तो अगर जब तक अनाइशा बाहर नहीं आएंगी तब तक वो टक 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 करती रहेंगी सुबह। तो जैसे अनाइशा उनको दाने डाल देती है वैसे वो खाना स्टार्ट कर देती है। तो हमारे एक फैमिली के साथ दूसरी फैमिली भी रहती है हमारे साथ। आप उनका नेस्ट दिखा दो, इतना सुंदर बनाया हुआ है उन्होंने, यहाँ पे ऊपर मिट्टी का बनाया हुआ था, तो आंटी वगैरह ने उसमें पेंट कर दिया और वो बिल्कुल ऐसे हो गया, बस लग रहा है कि बना के किया है। तो मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ से नेस्ट दिखाती हूँ और आज का वेदर दिखाती हूँ। तो गाइज ये है वो नेस्ट जो चिड़िया ने बनाया हुआ है, यहाँ पे रहती है, वो घास सा भी दिख रहा होगा। और यहाँ पे भी इसमें भी जो फ्लावर सा लगा हुआ है पिलर में, इसमें रहती है वो, यहाँ यहाँ इस पे रहती है, फिर यहाँ पे आती है वो, यहाँ पे भी जो डोर का ये लगा हुआ है रिंग इस पे आती है और यहाँ से नाइशू को टक 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 करती है, तब नाइशू बाहर आ जाती है। तो मैं आपको आज का वेदर दिखा, तो गाइज आज का वेदर देखिए, आसमान बिल्कुल साफ है पर ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। तो घरों में ना शाम को लाइटें लग गई है उस गली में, तो शाम को ना दिवाली के लिए लाइटें लगाते हैं, शाम का भी बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ से, मैं आपको दिखाऊंगी। और लोगों ने घर के लिए गेंदे के फूल लेके आए हैं, ये देखिए ये जो हमारे सामने वाला घर है वहाँ पर गेंदे के फूल लाए हुए, दिवाली के लिए लाते हैं लोग और पेंट वगैरह कर रहे हैं घर पर, आज गेट पे पेंट वगैरह कर रहे हैं। और ये हम लोग प्लांट लाए थे, ये तो लेमन ग्रास वो है, ये जो मतलब चाय वगैरह में भी डालते हैं इसको, यूज़ करते हैं इसकी वो इसकी पत्तियों का। और ये हम लोग लाए थे सदाबहार फूल लेके आए थे, दोनों पर एक फ्लावर नक्शा ने ख़राब कर दिया, इसमें नक्शा पानी देती गई और इसमें ना नीचे से होल नहीं था किया हुआ, उस वजह से ना ये प्लांट सूख रहा है, अब पता नहीं हो जाएगा कि नहीं होगा, तो देखते हैं। और जो बाकी के प्लांट थे वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, यहाँ पे बालकोनी छोटी सी हमने इसमें रखे हुए, वहाँ पे पुदीना लगाया हुआ है बाल्टी में और ये प्लांट इधर को रखे हुए हैं, क्योंकि ये प्लांट इसलिए बाहर ले गए थे जब हम लोगों ने ये प्लांट अंदर लगाए थे तो उसमें होल नहीं किए हुए थे मतलब गमलों में, तो इस सचिन इसमें होल किए और मिट्टी भरी थी
कल की परसों वो होटल से मिट्टी लेके आए थे, तो इन्होंने कल सुबह भरी थी चार रुपये मिट्टी और होल्ड कर दिए थे, फिर इसमें पानी दिया था तो ये पानी मतलब इससे निकल रहा था, तो इसलिए मैंने इसको बाहर ही रख दिया। और इसके लिए ना वो इसकी कटोरी उड़ती है जो वो नहीं, वो आज फ्लावर बेचने वाला आएगा तो मैं उनसे लूँगी वो कटोरी इनके लिए, जो अंदर रख पाऊँ क्योंकि बाहर ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ये आउटडोर प्लांट नहीं है तो इसीलिए। तो अभी का देखते हैं, अभी हम लोग पहले अनाक्षा ने तो ब्रेकफास्ट भी कर दिया है क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, मैं वीडियो एडिटिंग में ही रह गई और फिर उसको भूख लग गई थी, उसको मैंने खाना दे दिया, मैंने खुद नहीं खाया, तो थोड़े बहुत कपड़े भी हैं धोने को, वो भी धोने हैं, हाथ से धोऊंगी या मशीन लगाऊंगी वो देखती हूँ जैसे भी होगा। और अभी फटाफट से मैं पहले काम स्टार्ट कर दी होती थी अपना सफाई का, पर अंदर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है कि उस धूप में बैठे रहे, मतलब ठंड ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, आज से इतनी ज़्यादा ठंड हुई, कल मतलब कार्डिगन तो मैंने कल शाम से पहन ली थी, हवा चली थी तो सुबह नहीं होती थी ठंडी, यहाँ तो सुबह भी ठंड हो गई है और पाँव में यार इतनी ठंड लग रही थी, सॉक्स पहनने की नौबत आ रही है। तो इसलिए काम स्टार्ट करते हैं, 11 बजने वाला, और मेरा आजकल रोज़ का रूटीन बन चुका है कि मैं दिन के टाइम ही नहाते हूँ 2-2.5 बजे तक, जब बनाई का सोने का टाइम होता है उस टाइम ही, मतलब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ से सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं बेचने वाले, मतलब कोई ना कभी कुछ कभी कोई बेडशीट वाला आ रहा है, कभी बर्तन वाला आ रहा है, कभी फ्लावर वाला आ रहा है, कभी कुर्सी वाला आ रहा है, कभी रद्दी वाले आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, मतलब यहाँ चला ही रहता है, इस तरह की साउंड चली ही रहती है, तो इसको अवॉइड करना आप लोगों को भी सुननी पड़ेंगी। और मैंने जो अभी ब्लॉग डाला है उसको प्लीज़ ज़रूर देखना, उसमें मैंने ऐसी कुछ बातें शेयर की है आप लोगों से, अब पता नहीं सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, करनी चाहिए कि नहीं करनी मुझे नहीं पता, पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है क्योंकि मैं एक ब्लॉगर हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ, तो मतलब जो मेरी लाइफ में हो रहा है वो आप। तो गुड आफ्टरनून, तो उसके सुबह के बाद कंटिन्यू वीडियो कर रही हूँ मैं अब आफ्टरनून से, तो अभी नहा के आई हूँ, तो टाइम 1:30 बज गया है और अभी हम लोग लेंटर पे आए हैं कपड़े सुखाने, तो दिख रहा होगा यहाँ पे आधे मेरे थोड़े मेरे आंटी के ज़्यादा कपड़े हैं, है ना जो पीछे हो जाओ, तो फिर से आपको वॉल्यूम आ रही है, जैसे मैंने बताया कि कोई ना कुछ चला ही जाता है, तो अब कूड़े वाले की गाड़ी आ गई तो उनकी वॉल्यूम आ रही है। तो अभी हम लोग लंच करेंगे, तो लंच पे बना है आज कढ़ी चावल, तो हम लोग वो खाएंगे कढ़ी चावल, उसके बाद हमेशा को सुलाना होता है और उसके बाद वैसे फिर इवनिंग टाइम हो जाता है, तो अभी हम लोग धूप सेक रहे थोड़ी, जैसे मैंने बताया कि ठंड है अंदर, तो बाहर हम आए थे तो धूप सेक रहे हैं और थोड़े बाल भी सूख जाएंगे, और तभी तो कुछ नहीं है, तो जैसा होगा मैं आपसे शेयर करूँगी। हेलो अनायशु, हेलो, इधर आ जाओ, इधर से करो पीछे से, आपने कौन सी ड्रेस पहनी है दिखाओ, पीछे हो जाओ, कैसी लग रही हो आप? अच्छे। तो चलिए गाइस हम नीचे चल पड़ते हैं, यहाँ बाहर वैसे भी व्लॉगिंग करना पॉसिबल नहीं होता है, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आती है पीछे से, कूड़े वाले की गाड़ी यहाँ पे कहीं यहीं पे ही कहीं गलियों में है, क्योंकि उसमें माइक होता है उसमें लगा हुआ, तो उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आती है। चलिए चलते हैं, निशा आ जाओ, नीचे देखो कहाँ देख रहे हो, जल्दी आओ, यहाँ से दिखेंगे गाड़ी नीचे से, राम से इसको पकड़ो, रिंग को। तो गाइस देखिए सुबह कितनी ज्यादा धूप थी यहाँ पे, अब धूप नहीं है। अनायशा आपकी चिड़िया ने खा लिया वो चावल, सुबह हम लोग रोज चावल देते हैं, तो अनायशा की चिड़िया ने चावल सारे खा लिए, सारे खा लिए, यहाँ देखो ऊपर, ये देखिए मैं सुबह दिखा रही थी ना आपको, ये यहाँ इसमें रहती है वो, यहाँ पे भी उन्होंने नेस्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे भी नेस्ट बनाया हुआ है, और यहाँ पे भी बनाए, टू नेस्ट है ना इसे बनाए हुए, वाओ। Thank you.
तो अभी का वेदर इस तरह से है, इस तरह का वेदर। और वहाँ पे कूड़े की गाड़ी, उस गली में वहाँ पे कूड़े की गाड़ी घूम रही है। अब ये वहाँ से घूम घूम के ये हमारी उस हमारी गलियों में भी आ जाएगी, हमारे रोड पे भी आ जाएगी।